मध्य प्रदेश के खरगोन एबी रोड पर सेंचुरी मिल के बाहर आंदोलन कर रहे श्रमिकों को पुलिस और प्रशासन की ज्यादती सहनी पड़ी। आंदोलनकारियों को जबरदस्ती उठाकर वाहनों में भरकर यहां से ले जाया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में अनेक महिलाएं शामिल हैं। इन सभी को पुलिस वाहन में भरकर कसारावाद भेजा गया। हालांकि मिल के बाहर मेघा पाटकर और कुछ महिलाएं अब भी धरने पर बैठी हैं। मेघा पाटकर का मजदूरों के साथ डालमिया के निवास के सामने धरना जो है पिछले कुछ दिन से जारी है। मेघा पाटकर और अन्य महिलाओं का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे श्रमिकों पर अत्याचार कर रहा है। पिछले करीब 4 सालों से श्रमिक सेंचुरी मिल के बाहर अपने अधिकारों की मांग को लेकर धरना देकर बैठे थे। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर मंगलवार को श्रमिकों को जबरदस्ती धरना स्थल से हटाकर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने मेघा पाटकर को भी जो है हिरासत में लिया है। पुलिस कर्मियों को आता देख धरने पर बैठी महिलाओं ने मजबूत घेरा बना लिया और एक दूसरे को जकड़ लिया, पर महिला पुलिस कर्मियों ने बड़ी ही बेरहमी से महिला श्रमिकों को धरना स्थल से उठा लिया। यह पूरा घटनाक्रम सुबह करीब 11 बजे से प्रारंभ हुआ और पुलिस कार्रवाई अभी तक जारी है। इस दौरान पुलिस द्वारा एबी रोड को एक साइड से बंद करा दिया गया है। धरना स्थल पर एडिशनल एसपी जितेन पवार और कसारावाद एसडीएम संघप्रिय संगरिया सहित अनेक वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। यहां सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मगरखेड़ी में सेंचुरी मिल स्थित है। यहां काम कर रहे मजदूरों को हटा दिया गया था। रोजगार की मांग के लिए वे पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसके बाद भी कंपनी द्वारा जबरिया स्वैच्छिक वीआरएस देकर श्रमिकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। डीआरबी न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।